नमस्कार दोस्तों, नौकरी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस 2018 के बारे में। तो इसमें फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट दोनों के बारे में हम बात करेंगे। जैसा आपको पता होगा, जो ऑफिशियल डेट है वो आ चुकी है सेकंड शिफ्ट के लिए, 25 और 26 अक्टूबर, ठीक है। अभी बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट की, ठीक है। तो सेकंड शिफ्ट के कैंडिडेट हैं वो अपनी तैयारी करते रहें। अब बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट की। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जॉब्स का कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। चाहे स्टेट गवर्नमेंट जॉब हो यूपी में निकली हो, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो, कोई भी रेलवे SSCGD की जॉब हो, सभी गवर्नमेंट जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और बेल बटन को जरूर दबा लें। इससे फायदा ही होगा, जो भी नई वीडियो हम डालेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो अभी बात करते हैं भर्ती पर स्टे की। तो जैसे काफ़ी कैंडिडेट्स ये सोच भी रहे होंगे और कि ये वेट कर रहे होंगे कि ठीक है भर्ती पर स्टे लगेगा और फिर उसके बाद उन्हें दोबारा एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो ऐसा कुछ इसके बारे में अलग से रिट फाइल की गई है कि भर्ती पर स्टे लगे। हालांकि अनियमितताएँ दोनों शिफ्ट में थी, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। तो सेकंड शिफ्ट के लिए री एग्ज़ाम की घोषणा कर दी गई, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट के लिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब कैंडिडेट क्या हैं, अच्छे से वेट कर रहे हैं कि जैसे एक चीज़ आप मुझे बताएं, अगर आप जैसे वेट करते रहेंगे आराम से कि भर्ती कैंसिल होगी, भर्ती पर स्टे लगेगा, तो कैसे कैंसिल होगी, एक सोचने वाली बात है। लेकिन अगर भर्ती पर स्टे लगता है तो क्या है, दोनों जो शिफ्ट हैं उनकी जो परीक्षा है वो कैंसिल होगी। अगर 25-26 को होती है तो आपके पास भी टाइम नहीं। तो जो फर्स्ट शिफ्ट वाले कैंडिडेट हैं वो भी अपनी तैयारी जारी रखें। उसके साथ साथ क्या है, ऐसे कुछ नहीं है कि कोई बाहर का बंदा आके जैसे मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया है तो मैं आपके लिए जाके रिट लगाऊंगा और फिर मैं केस लड़ूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि हाँ ठीक है स्टे लग गया है, अब आप दोबारा एग्ज़ाम दे दीजिए, ठीक है। तो ये बात खुद सोचने वाली है। तो आप कैंडिडेट क्या है, जो कैंडिडेट जिन्होंने जैसे रिट लगा रखी है जो उसके पीछे, आप उनका कम से कम सपोर्ट कीजिए। अगर आप रिट नहीं लगा रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है कैंसिल हो, तो एटलीस्ट उनका सपोर्ट कीजिए। जैसे जो पहले भी जैसे अशोक खरे जी हैं जो एडवोकेट थे, जिन्होंने ये पहले जो सेकंड शिफ्ट की पाली को कैंसिल कराने के लिए, ठीक है, जो थे उसमें केस में, और जैसे शैलेंद्र सर हैं जो इनमें मतलब जो कैंडिडेट थे जैसे, और जो एग्ज़ाम क्रैकर के सर थे, उन्होंने जो सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम कैंसिल कराने के लिए क्या है, उन्होंने जीतोड़ प्रयास किया था और जो सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हो कैंसिल भी कराया था। अब वो क्या है, फर्स्ट शिफ्ट के लिए भी लगे हैं। हालांकि उन कैंडिडेट का जो एग्ज़ाम था वो सेकंड शिफ्ट में, लेकिन वो फर्स्ट शिफ्ट के लिए भी लगे हैं, ठीक है। तो आप क्या है, एटलीस्ट उनका सपोर्ट तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे आपने ठीक है आप वेट कर रहे हैं, तो वेट करने से कुछ नहीं होगा, ना ही भर्ती पर स्टे लगेगा, सेकंड शिफ्ट का पेपर हो जाएगा, उसके बाद क्या है, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अभी ये टाइम है, जैसे आप अभी अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि तो जैसे आपको ऐसा कुछ अगर पता लगा कि भर्ती पर स्टे लग चुका है तो इसका आप मजे से वेट करें, ठीक है, भर्ती पर स्टे लगा है तो आपके लिए भी बस अब भर्ती पर स्टे लग गया तो अब कुछ दिन में एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है आपको, ठीक है, सपोर्ट कम से कम करना पड़ेगा। आप अपनी तैयारी भी करते रहें, उसके साथ साथ सपोर्ट करते रहें। जैसा भी क्या है, जो शैलेंद्र भाई वगैरह ये हैं, इन्होंने बोला है कल बालसन चौराहे में आने के लिए इवनिंग में डेट वगैरह, हालांकि उन्होंने बोला कि मैं अपने चैनल पर बताऊंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। वहां जो अशोक खरे जी हैं उन्होंने कैंडिडेट्स को बुलाया है, वहां वो कुछ वार्तालाप करने हैं जो कुछ भी हैं, तो आप उनके लिए क्या है, एटलीस्ट उनका सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। अगर आपको ऐसा चाहिए कि आपके फर्स्ट पेपर की जो एग्ज़ाम है, फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो। और अभी मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, जैसे भर्ती पर स्टे का अभी ऐसा कुछ भी ना तो कुछ ऑफिशियल है, ना उसके लिए स्पेशली कुछ रिट लगाई गई है, ना उसका कुछ प्रूफ है, ठीक है। अभी तक जो भर्ती पर स्टे वाली बात है ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो क्या है, लेकिन अगर भर्ती पर स्टे लगता है तो दोनों का एग्ज़ाम होगा, दोनों पालियों का, ये चीज़ है। तो आप ऐसे मत कीजिए, वेट मत कीजिए, ठीक है, इस चीज़ का। आप अपनी जो तैयारी है वो उस हिसाब से करते रहिए कि आपका भी जो एग्ज़ाम है 25 और 26 अक्टूबर को होगा, और उसके साथ साथ जो कैंडिडेट हैं जो आपको लीड कर रहे हैं मतलब आगे से, ठीक है, तो एटलीस्ट आप उनका सपोर्ट कीजिए। तो यही मुझे आपको इस वीडियो में बताना था। और आप इस अफवाह से बिल्कुल दूर, ऐसे नहीं कि आप जैसे वेट करते रहे ठीक है स्टे लगेगा, तो आप अपनी क्या है तैयारी को बिल्कुल मत छोड़िए। तैयारी आप भी करते रहिए और सेकंड शिफ्ट वाले कैंडिडेट हैं वो भी करते रहें, क्योंकि अभी इस चीज़ का कुछ पता नहीं है। अगर जैसे बताया जाता है बीच में इन बिटवीन स्टे लग जाता है और 25-26 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होगा, तो आपके लिए तो और बुरी बात हो, क्योंकि आपके पास अभी तैयारी का समय नहीं है। क्योंकि पहले जो आपने एग्ज़ाम दिया था, हालांकि अनियमितता हुई थी, लेकिन आपने तैयारी करके दिया था, तो उसमें हालांकि फ़र्क पड़ा क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स के ज़्यादा नंबर आ गए हैं, लेकिन इस बार क्या है सभी को नुकसान होने वाला है अगर ऐसा रहा। तो आप अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखिए, ठीक है, और साथ साथ जो है अपनी जो है फर्स्ट शिफ्ट के लिए भी जो कुछ आप
काम है, जो सपोर्ट है वो करते रहिए ताकि आपकी भर्ती पर स्टे लगे और आगे आपके लिए कुछ हो सके, ठीक है। तो इस वीडियो में बस मुझे यही बताना था। तो जो कैंडिडेट्स हैं, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट शिफ्ट के हैं, सेकंड शिफ्ट के हैं, जो भी हैं, तो आप इसे सभी के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट के इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और लोगों का भ्रम दूर हो सके, जो ये सोच रहे हैं कि हाँ आराम से ठीक है हम वेट करते रहेंगे और स्टे लग जाएगा उसके बाद फिर हम दोबारा एग्जाम दे देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा और साथ ही साथ अपनी तैयारी भी करनी पड़ेगी। दोस्तों मेरा आपसे अनुरोध है कि सभी जो आपके ग्रुप हैं व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या है आपकी हेल्प होने वाली है। किंतु जितने ज़्यादा कैंडिडेट हो सकेंगे उस हिसाब से कल राय की जाएगी, जो बालसन चौराहा जो वेन्यू डिसाइड किया गया है और टाइम जो है वो शैलेंद्र भाई अपने चैनल पर बता देंगे, ठीक है। तो आप वो चीज़ वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप उसके लिए जा सकते हैं, क्योंकि बिना कुछ किए तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो वो कैंडिडेट हैं उनका जो एग्ज़ाम है सेकंड शिफ्ट वो कैंसिल हो चुका है, वो अभी आपके लिए ही लगे हैं, तो आप उस चीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इस भरम को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए कि भर्ती पर स्टे लग जाएगा आराम से, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, आपको उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। तो इस वीडियो में यही था, अपनी तैयारी जारी रखें और अपने लिए कुछ कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा कुछ आपके लिए पॉजिटिव इफेक्ट हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और लोग भ्रम से दूर आ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर का मैंने आपको बता ही दिया, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि कैंडिडेट्स की हेल्प हो सके और आपकी एक आवाज़ उठ सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए और बेल बटन को जरूर दबा लें ताकि सारी वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहें।